नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। 25 साल के बाद बिहार से 5 महिला सांसद होंगी। इसके पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 5 महिला सांसद बनी थी। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक थे। राज्य के बंटवारे के बाद ये पहला अवसर है जब एक साथ 5 महिला जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच रही है। साल 2019 में वीना देवी, रमा देवी और कविता सिंह ने जीत प्राप्त की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार महिलाओं ने बड़ी बाजी मारी है और जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। जीतने वाली 5 महिला सांसदों में 3 पहली बार निर्वाचित हुई है। इतना ही नहीं, 3 में से 2 महिला सांसदों ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही वो सांसद बन गई। बिहार से जीत हासिल करने वाली महिला सांसदों में वैशाली से वीना देवी लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से उन्होंने चुनाव लड़ा और दूसरी बार सांसद बने जाने में वो सफल रही। वीना देवी ने राजद के मुन्ना शुक्ला को हराया। वीना देवी को 5,67,043 मत मिले, जबकि मुन्ना शुक्ला को 4,77,409 मिले। वहीं पिछले आम चुनाव की बात करें तो इस सीट से एलजेपी की उम्मीदवार वीना देवी को जीत हासिल हुई थी। उन्हें 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह रहे थे। उन्हें उस दौरान कुल 3.25 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से एक और महिला सांसद समस्तीपुर से शांभवी हैं। शांभवी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के सनी हजारी को मात दी। साथ ही बिहार के सबसे कम उम्र की सांसद बनने का 18वीं लोकसभा के लिए रिकॉर्ड बना लिया। वहीं वीना और शांभवी की जीत से चिराग की पार्टी में 2 महिला सांसद होगी। वैसे पीएम मोदी खुद शांभवी के लिए चुनाव प्रचार करने समस्तीपुर गए थे और शांभवी को अपना बेटी तक बता दिया था। जनता ने दिल खोलकर शांभवी को वोट किया और उसका परिणाम ये रहा कि बड़े अंतर से चुनाव जीतने में वो सफल रही। उन्हें 5,79,786 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सनी हजारी को 3,92,545 वोट मिले। जीत का अंतर 1,87,291 वोटों का रहा। वैसे बता दें, शांभवी की उम्र 25 साल है और वो बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी है। वैसे 2 महिला सांसदों की जीत जेडीयू से भी हुई है। शिवान से विजय लक्ष्मी ने निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब को हराया। विजय लक्ष्मी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली। विजय लक्ष्मी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मेहनत की। विजय लक्ष्मी के पति भी लंबे समय से रालोजपा के सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे और वे 2015 में विधायक भी रहे। लेकिन इन दोनों जेडीयू की राजनीति के कायल हैं और जेडीयू की राजनीति को सामर्थ्य प्रदान कर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी को जीत का सहरा पहनाया। जेडीयू की विजय लक्ष्मी ने निर्दलीय हीना साहब को 92,857 मतों से हराया। जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को 3,86,509 मत मिले और निर्दलीय हीना साहब को 2,93,691 मत मिले हैं। इसी तरह जेडीयू के एक अन्य महिला प्रत्याशी ने शिवहर से जीत हासिल की। पूर्व सांसद लवली आनंद ने राजद की रितु जायसवाल को हराने में सफलता पाई। एक लंबे अंतराल के बाद लवली आनंद ने फिर से सांसद बनने में सफलता पाई है। संयोग से जिन 2 सीटों पर जेडीयू की महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, दोनों जगह पर उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भी महिला ही रही। वैसे वोट की बात करें तो लवली आनंद ने राजद प्रत्याशी को 29,143 वोट से हराया। लवली आनंद को 4,73,161 वोट प्राप्त हुआ। वहीं राजद की रितु जायसवाल को 4,86,922 वोट मिले हैं। वहीं राजद की मिश्रा भारती ने भी पाटलिपुत्र संसदीय सीट से जीत हासिल कर ली है। वो पिछले चुनाव में महज 40,39,000 वोटों के अंदर से हार गई थी, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने भाजपा के रामकृपाल यादव को हराने में सफलता पाई है। मिश्रा भारती फिलहाल राज्यसभा की सांसद है। इस जीत के साथ ही वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गई है। जीत हासिल करने वाली 5 महिला सांसदों में 4 एनडीए खेमे से जीती है, जबकि 1 ने इंडिया गठबंधन की ओर से जीत हासिल की है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।